अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। बेस्ट सोलर सिस्टम फॉर 1 टन एसी। अगर आपके पास 1 टन का एक एसी है और उसको आप 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह के वीडियोज आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए करें और आप उसको देख सके। इसमें एक एसी जो लोगों के घर में आमतौर पर एक एसी होता है, और स्पेशली अगर आपके घर पे छत के ऊपर कमरा है, मतलब कमरा आपके टॉप फ्लोर के ऊपर है और वहां बहुत ज्यादा गर्मी आती है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखें तो मैं आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस बताऊंगा। और बहुत कम खर्चे के अंदर आप 24 घंटे एसी चलाएंगे और आपका कमरा कभी भी गर्म नहीं होगा। ठीक है जी, आप चलते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि आपके अल्फाज रद्दी हो सकते हैं, आपके अल्फाज रद्दी हैं अगर आप जिसको बेच रहे हैं वो कबाड़ी है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक घड़ी है और घड़ी आप एक कबाड़िए के पास लेके जाते हैं, घड़ी रोलेक्स की बहुत ही अच्छी घड़ी है और बड़ी मतलब एंटीक किस्म की घड़ी है, आप उसके कबाड़िए के पास लेके जाते हैं तो उसका कबाड़िया आपको उसके 50 रुपए दे। वही घड़ी अगर आप किसी डीलर के पास, किसी आम शॉप के ऊपर लेके जाते हैं घड़ियों की, तो वो हो सकता है आपको 1 लाख रुपए में वो घड़ी खरीद ले। उसी घड़ी को अगर आप रोलेक्स के किसी डीलर के पास लेके जाएंगे तो हो सकता है वो आपसे 10 लाख रुपए में खरीद ले। और उसी घड़ी को अगर आप किसी एंटीक खरीदने वाले बंदे के पास लेके जाएंगे तो हो सकता है वो 10 करोड़ में वो घड़ी खरीदे। तो मकसद ये है कि आप जो भी कुछ कह रहे होते हैं, हर बंदे की नजर में आपके अल्फाज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि जब कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेके आए तो उसकी अच्छे तरीके से तस्दीक कर लिया करो। तो हम लोग तस्दीक नहीं करते, हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, एज अ कौम हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग पड़े हैं। और कमेंट सेक्शन में मैं जब नीचे देखता हूं तो लोग वेरिफिकेशन के बगैर ही कमेंट करना शुरू करते हैं और उसमें बुरा भला कहते हैं। आप कमेंट करें, मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। और कमेंट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। आपको साल पहले मैंने बताया था, पिछले साल जून में, कि सोलर पैनल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं और बाद में देखे नीचे आई भी है। जो रेट्स मैंने आपको बताया था कि महीने बाद आएगा वो महीने बाद आया, जो मैंने कहा 2 महीने बाद आएगा वो 2 महीने बाद आया। उस वक्त 130 रुपए वाट था, इस वक्त 35 रुपए वाट इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर, और टीयर वन कैटेगरीज के ज्यादा 40-41 के अंदर रिटेल हो रहा है। तो ये था सारा। अब आ जाए जी, 1 टन का आपके पास एसी है और आपने चलाना है तो कैसे चलाएंगे और उसके साथ क्या क्या चीजें लगेगी। टीयर वन कैटेगरीज के 25 से 30 साल वारंटी वाले आपने सोलर पैनल लेने हैं। टॉप के 10 ब्रांड्स में से एक आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसमें 10 ब्रांड्स कौन से हैं? कैनेडियन सोलर है, कैनेडियन सोलर के साथ जिंको है। कैनेडियन में टॉप कॉन टेक्नोलॉजी वाले लेने हैं आपने, डबल ग्लास वाले, डबल ग्लास टॉप कॉन टेक्नोलॉजी, ताकि आपकी बिजली भी ज्यादा पैदा हो और 30 साल उसकी वारंटी होगी। जे ए सोलर के एन टाइप ले लें, और जिंको के एन टाइप ले सकते हैं, सनटेक कंपनी के एन टाइप आप ले सकते हैं, आप टेस्ला कंपनी के सोलर पैनल ले सकते हैं, आप इसके सोलर एज कंपनी के सोलर पैनल ले सकते हैं, इनवरेक्स कंपनी के सोलर पैनल ले सकते हैं, क्यू सेल के सोलर पैनल ले सकते हैं, ट्रीना सोलर के एन टाइप के सोलर पैनल, या लॉन्जी के हाइमो 5, लॉन्जी के हाइमो 6 और लॉन्जी के हाइमो 7 डबल ग्लास सोलर पैनल। ये 4 सोलर पैनल 545 वाट के अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेंगे 84,000 रुपए में, 84,000 रुपीज में, क्योंकि 42 रुपए पर वाट के हिसाब से अगर आप इसको कॉस्ट करते हैं तो तकरीबन 84,000 रुपीज के ये 4 सोलर पैनल आएंगे। और 2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो आपको मिलेगा 45,000 रुपीज का, 45,000 रुपए में इन्वर्टर आपको मिलेगा। इन्वर्टर्स के अंदर बेशुमार कंपनीज है, इसमें 50 से ज्यादा डिफरेंट कंपनीज है, जो चाइनीज कंपनीज है, जर्मन कंपनीज है, जैपनीज कंपनीज है, कोरियन कंपनीज है, और हत्ता के अमेरिकन और स्वीडिश कंपनीज भी मार्केट में अवेलेबल है। और जो आमतौर पर पाकिस्तान में जो चाइनीज जो इन्वर्टर चल रहे हैं जिनकी 5 साल की वारंटी होती है, वो आपको 45,000 रुपए में 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा और उससे आप एसी चला सकते हैं 24 घंटे। 6 mm की डीसी वायर आपको लेनी पड़ेगी। डीसी वायर इस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफी कंपनीज हैं जो बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है तो आपको पता ही है, पाकिस्तान केबल्स है और इस तरह की काफी कंपनीज है, लेकिन इसके अलावा जो लोकल कंपनीज हैं वो भी 99.9% कॉपर वायर्स के अंदर आपको 6 mm की जो सोलर पैनल्स की वायर्स बना रही हैं, 6 mm की वायर लगाएंगे तो फिर आपका एसी चलेगा। ये सारा सिस्टम जो है इस वक्त जो पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बस आपको इतना ज़हन में रखना चाहिए, अगर आपके पास एक एसी के साथ साथ एक फ्रिज भी है, पानी की मोटर भी है, कोई घर में और भी पंखे भी हैं, बिजली की लाइट्स भी हैं, तो आपको 2 किलोवाट के बजाय फिर 3 किलोवाट का लगवाना पड़ेगा। पहले मैं आपको 2 किलोवाट का बता रहा था एक एसी वाला, अब आपने अगर एसी के साथ कोई चीजें भी लगानी है, यानी पंखे और फ्रिज भी लगाना है, अटैच करना, तो 3 किलोवाट का लेंगे। अगर 2 किलोवाट का लेते हैं तो उसका खर्चा कुछ और होगा, अगर आप 3 किलोवाट का लेते हैं तो उसका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है जी।
अब आप आ जाए 3 किलोवाट के सिस्टम में क्या चल सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक एसी, एक फ्रिज और 5 पंखे और 10 लाइटें, 6 किलोवाट के अगर आप लगवाते हैं तो उसके साथ 2 एसी आपके चल जाएंगे, आपके मतलब फ्रिज चल जाएगा, इसके अलावा 5 पंखे चल जाएंगे, 10 लाइटें चल जाएंगी और ये पानी की मोटर भी चल जाएगी। आगे आ जाए 10 किलोवाट, 10 किलोवाट दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हाइब्रिड सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है ना वो आपने वापडा के साथ आपने कनेक्ट कर देना है और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी वो आपने वापडा को बेच के उससे आपको पैसे मिल जाएंगे, वो आप बिजली सेल कर सकते हैं, उसे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम कहते हैं। नेट मीटरिंग यानी सफेद रंग का एक मीटर लगता है जिसके ऊपर तकरीबन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, कुछ डिफरेंट फीस है और वो सारा खर्चा होकर 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लगता है नेट मीटरिंग का। तो 10 किलोवाट का सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं, 15 किलोवाट का भी लगवा सकते हैं, 6 किलोवाट का भी लगवा सकते हैं। अब आप आ जाए जो टॉपिक था आपका, बेस्ट सोलर सिस्टम फॉर 1 टन एसी इन पाकिस्तान, या कह रहे 2 किलोवाट सोलर सिस्टम प्राइस इन पाकिस्तान। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम प्राइस इन पाकिस्तान होगी 1,49,000 रुपया, तकरीबन 1.5 लाख रुपया। इसमें बैटरी शामिल नहीं है, अगर आप इसके अंदर ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं 200 एम्पीयर की तो वो आपको इस वक्त तकरीबन 50,000 रुपए की एक बैटरी पड़ती है। एक बैटरी अगर आप लगा लेंगे तो तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे आपका एसी चल सकता है रात के टाइम, लेकिन बाकी रात आपका नहीं चलेगा। उसके लिए मैं आपको जो सजेशन देने वाला हूं वो अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपकी जो छत है ना, छत से सारी की सारी सनलाइट आती है, जो सूरज की रोशनी सारी आती है छत के ऊपर, छत के ऊपर आपने व्हाइट कलर का वेदर शील्ड पेंट करवाना है या सन यानी एक ऐसा केमिकल कराना है जो हीट प्रूफ हो। हीट प्रूफ केमिकल आपको अखबारों में मिल जाएंगे, डिफरेंट जगह पे मिल जाएंगे और सन को रिफ्लेक्ट करते थे, सन लाइट जब आपकी पड़ती है ना इसके ऊपर छत के ऊपर, तो छत से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आसमान पे चली जाती है तो आपकी छत ठंडी हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि छत के ऊपर आपको तरपाल लगा लें, तरपाल मतलब एक कपड़ा मिलता है जो आपने ट्रकों के ऊपर लगा हुआ नजर आता है, वाटर प्रूफ कपड़ा होता है, वो आप तरपाल छत के ऊपर 6-6 फुट ऊंचे आप कोई मतलब लगा के ना कोई फ्रेम्स वगैरह लोहे के, तो उसके ऊपर 6-6 फुट ऊंचा आप तरपाल लगा लेंगे तो आपकी जो छत है ना वो बहुत ठंडी हो जाएगी। जब छत आपकी ठंडी हो जाएगी और आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर, पहले अगर आपका कमरे का अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री था, बाहर आपका 48 डिग्री था और अंदर 40 था, अब अंदर ही आपका 30 डिग्री हो जाएगा। जब अंदर ही 30 डिग्री हो जाएगा बगैर एसी के, तो जब आप एसी चलाएंगे तो आपका कमरा 20 या 18 मतलब उसके ऊपर आ जाएगा सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका कमरा आ जाएगा और रात को भी आपका ठंडा ही रहेगा कमरा और आपको इतनी एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे सस्ता खर्चे वाला सोलर सिस्टम था, 1,50,000 रुपए में, यानी 1.5 लाख रुपए में आप ये बेस्ट सोलर सिस्टम फॉर 1 टन एसी इन पाकिस्तान है वो आप लगवा सकते हैं। अगर आप अपने घर की छत के लिए लगवाना चाहते हैं तो घर की छत का साइज आपने बताना है, ठीक है, अपने सिटी का नाम बताना है और अपना नाम बताएं और अपने यूनिट्स आपके जुलाई के महीने में, पिछले साल जो जुलाई के महीने में बिल आया था उसमें कितने यूनिट्स आए थे वो आपने बताने हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने ये सारा कुछ बताना है। अगर आप ये बताएंगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि आपके शहर में कौन सा अच्छा डीलर है और उससे आप ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि आपको मैंने जो वीडियोज बनाई है उसका मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दूं, प्राइसेस के हवाले से भी अवेयरनेस मैं दे रहा हूं लोगों को और ये भी बता रहा हूं कि ए ग्रेड सोलर पैनल क्या होता है, टीयर वन क्या होता है, फिर डॉक्यूमेंटेड क्या होता है, बार कोड को कैसे वेरीफाई करना है। मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कोई 750 वीडियोस है मेरे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो आप उन वीडियोस को देखें तो काफी नॉलेज आपको मिलेगा। और इवन हाउस कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के वाले से, इन्वेस्टमेंट के वाले से मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको लाजमी देखें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।